नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है एकता। आज हम बनाने जा रहे हैं पपीते का जूस, जिसके लिए मैंने आधा पपीता लिया है, जिसके मैंने बड़े बड़े टुकड़े काट लिए हैं। एक गिलास दूध लिया है। शुगर चाहिए हमें 4 से 5 चम्मच। ड्राई फ्रूट में मैंने 2 बादाम और 4 काजू और 1 अखरोट लिया है, जिसको मैंने इस तरह से बारीक काट लिया है। आइस चाहिए हमें और पानी चाहिए। 2 इलायची लिए मैंने खुशबू के लिए। सबसे पहले हम एक बड़ा बर्तन लेंगे, उसके अंदर ये पपीते की स्लाइस डाल देंगे। इलायची को भी इस तरह से इसके दाने जो है वो डाल देंगे। आपको पपीते का जूस जब पीना हो तभी बनाएं, बना के ना रखें, नहीं तो ये फट जाता है, ज्यादा देर नहीं रहता। अब हम इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे, ज्यादा नहीं डालना। अब इस पपीते को थोड़ा ग्राइंड करेंगे। पपीते का जूस मिक्सी में भी बना सकते हैं, हैंड ब्लेंडर से भी बना सकते हैं। पपीता अच्छे से पिस चुका है। अगर आपका पपीता फीका है तो आप ज्यादा शुगर डालिए, नहीं तो 2 से 3 चम्मच ही शुगर डालें आप इसमें। मैं 3 चम्मच डाल रही हूँ। और ये बचा हुआ दूध भी हम इसमें डाल देंगे। पानी यूज करेंगे, ज्यादा पानी नहीं डालना है हमें, बस थोड़ा सा पानी डालना है। और ये बर्फ की स्लाइस डाल देंगे। और इसको एक बार फिर ग्राइंड करेंगे। पपीते का जूस काफी टेस्टी होता है, बच्चों को काफी पसंद आता है। पपीते से काफी फायदे होते हैं। पपीता खाने से हमारा वजन भी काफी कम होता है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जूस जो है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसे सर्व करेंगे। 2 गिलास लेंगे। मैंने दूध वाला गिलास ही लिया है। एक एक स्लाइस हम इसमें बर्फ की डालेंगे और ये जूस डालेंगे। और इनके ऊपर ये ड्राई फ्रूट डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ठंडा ठंडा पपीते का जूस तैयार है पीने के लिए। और ये काफी स्वादिष्ट और काफी अच्छा लग रहा है, पीने में भी काफी टेस्टी होगा। आप एक बार घर में जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको पसंद आए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।